आपको एम्पियर के परिपथीय नियम का जो अनुप्रयोग है वो बताया गया था, उसमें तीन अनुप्रयोग थे। लास्ट में कल आपको बताया गया था कि टोराइड जो होता है, टोराइड को आप कहते हैं सिरे विहीन परिणालिका। परिणालिका जो होती है धारावाही परिणालिका, अगर उसके दोनों सिरों को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो ये बंद आकृति बनती है उसी को हम कहते हैं टोराइड। तो टोराइड की नली के भीतर क्या चुंबकीय क्षेत्र होता है और उसके बाहर क्या चुंबकीय क्षेत्र होता है, और नली के मतलब टोराइड के अंदर के रिक्त स्थान में क्या चुंबकीय क्षेत्र होता है, इस पर कल चर्चा होगी। ठीक है, आज आप लोग लॉरेंज बल के बारे में पढ़ेंगे। लॉरेंज बल क्या होता है? लॉरेंज बल जो है किसी गतिमान आवेशित कण पर, किसी गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाले बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। अगर कोई आवेशित कण है वो धन आवेशित है या ऋण आवेशित है, जैसा भी है, धन आवेशित या ऋण आवेशित कण अगर गतिमान है तो उस गतिमान आवेशित कण पर बल कार्य करता है और इस बल को ही हम कहते हैं लॉरेंज बल। ठीक है, अगर वो गतिमान आवेशित कण जो है उसका आवेश है क्यू, क्यू आवेश है और भी वेग से वो गतिमान है, ठीक है, भी वेग गतिमान है और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गतिमान होगा तभी जो है बल कार्य करेगा, ऐसे नहीं काम करेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गतिमान हो तो चुंबकीय बल कार्य करेगा, उसी का नाम है लॉरेंज बल। अगर वैद्युत क्षेत्र होगा उसमें कोई आवेशित कण गतिमान होगा तो उस पर भी बल कार्य करेगा, स्थित होगा उसमें तब भी कार्य करेगा। ठीक है, तो ऐसे बल को हम कहते हैं लॉरेंज बल। और उस लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी, एफ इक्वल टू क्यू वी बी, ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला है। गतिमान आवेशित कण का आवेश है क्यू, उसका वेग है वी, और जिस क्षेत्र में ये गतिमान है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में, उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसकी है बी। तो बी चुंबकीय क्षेत्र में यदि वी वेग से कोई आवेशित कण क्यू गतिमान है तो उस पर कार्य करने वाला बल होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, लेकिन अगर यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में न प्रवेश करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लीजिए उत्तर से दक्षिण तरफ, उत्तर से दक्षिण तरफ चुंबकीय क्षेत्र दिशा है और यह सीधे पूर्व से या पश्चिम से न प्रवेश करके तिरछा प्रवेश करता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, तब उस अवस्था में जो बल कार्य करता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। उस बल का मान क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, ये लॉरेंज बल का ही रूप है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत न प्रवेश करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए कोई गतिमान आवेशित कण प्रवेश करता है तब, ठीक है, यह जो बल कार्य करेगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है इसलिए इस बल की दिशा भी होनी चाहिए, कि जो ये बल कार्य कर रहा है किसी गतिमान आवेशित कण पर उस बल की दिशा क्या है, तो इसकी दिशा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाली जा सकती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अलग है और दाएं हाथ का नियम अलग है। बाएं हाथ का जो नियम है वह इसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा के कारण की दिशा को ज्ञात करने के लिए है, या कोई धारावाही चालक है, उस चालक में धारा बह रही है, धारा बह रही मतलब आवेश बह रहे हैं, तो उस पर कार्य करने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए।
तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसमें तीन चीजें हैं। अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके आसपास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार रखें कि ये मध्यमा अंगुली जो है यह धारा की दिशा में हो, ये ध्यान देना है कि यह धारा की दिशा में है और यहां हम आवेशों की गतिमान होने की बात कर रहे हैं। तो धारा जो है धन आवेश अगर है तो धन आवेशों के प्रवाह की दिशा में धारा बहती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कहीं दिया है फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के अगेंस्ट में विपरीत में धारा मानी जाएगी। अगर धारा दिया हुआ है ऊपर से आवेश इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप अंगुली को नीचे से ऊपर तरफ करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत धारा होती है। तो यदि मध्यमा को मध्यमा अंगुली ये जो मिडिल फिंगर आपकी है इसको हम धारा की दिशा में कर लें और जो आपकी तर्जनी अंगुली है इसको फोर फिंगर कहते हैं, तर्जनी अंगुली जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाए, तब उस अवस्था में जो अंगूठा आपका है वह चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने अंगूठे और उसके पास की दोनों अंगुलियों क्रमशः तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को बताए और तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, तो इस तरह बल का जो परिमाण है वो तो लॉरेंत्ज़ बल के सूत्र से निकलता है। गतिमान कोई आवेश है, इसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस पर कार्य करने वाला जो बल है वो लॉरेंत्ज़ बल कहलाता है। उसका मान जो है वो इस सूत्र से निकलेगा और उसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकलेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि गतिमान आवेश कण अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तब उसका गतिपथ कैसा होता है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर प्रवेश कर रहा है तब उसका गतिपथ कैसा होता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। मान लीजिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र हम दिखा रहे हैं, ये क्रॉस लाइन जो दिख रही है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र आपका बाहर से अंदर की तरफ है। ठीक है ना, अगर हम कहीं पर डॉट से दिखाएं ऐसे तो चुंबकीय क्षेत्र वो अंदर से बाहर की तरफ होता है ना, जैसे कोई तीर है, तीर की नोक जब बाहर की तरफ आती है तो उसका पहले पॉइंट वाला सिरा दिखता है, तो इस तरह अगर है तो आप अंदर से बाहर तरफ ही अंडरस्टूड है कि ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत ये जो है बाहर से अंदर की तरफ है। इस चुंबकीय क्षेत्र में बाहर से अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें आवेशित कण अगर लंबवत प्रवेश करता है तब क्या होगा, या समांतर प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र के तब क्या होगा, या तिरछा प्रवेश करता है तब क्या होगा, तीन कंडीशन है। तो पहले हम यहां पर आ जाते हैं कि वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। यहां ध्यान देना है कि अगर कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है, बाहर से अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में वही जा रहा है, तो उस अवस्था में जो थीटा आपका है ये जीरो हो जाएगा, और जब थीटा का मान जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो पूरा जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब उस अवस्था में जो बल हमारा है वह जीरो कार्य करेगा, अर्थात गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं कार्य करेगा। जब कोई बल नहीं कार्य करेगा इसका मतलब जिस दिशा में वो जा रहा है उस दिशा में जाता रहेगा, ठीक है, उसी दिशा में वो जाता रहेगा, उस पर कोई बल नहीं कार्य करेगा, अर्थात गतिपथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह सीधे जो है वो चला जाएगा। ठीक है, जिस वेग से जा रहा है उसी तरह से वो आगे बढ़ जाएगा। दूसरा जो मुख्य है जिसके लिए टॉपिक बना हुआ है कि अगर वह गतिपथ जो है क्या होगा, अगर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो लंबवत प्रवेश करता है तब मान लीजिए कि कोई गतिमान आवेशित कण है और यह चुंबकीय क्षेत्र आपका बाहर से अंदर की तरफ है
और वो ऐसे लंबवत प्रवेश करता है ऐसा, ठीक है ना। और क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लंबवत प्रवेश करता है। जब लंबवत प्रवेश करेगा ये तो इस पर बल कार्य करेगा, उस बल की दिशा क्या होगी, बल का मान क्या होगा, F इक्वल टू क्यू वी बी, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है ये, तो थीटा का मान 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो F इक्वल टू क्यू वी बी के बराबर लॉरेंट्ज़ बल कार्य करेगा, ठीक है। जब बल ये कार्य करेगा तो इसका गतिपथ कैसा होगा, ध्यान देना है, बल किधर कार्य करेगा पहले ये देख लीजिए। तो पहले आप बाएं हाथ के अंगूठे और उसकी तर्जनी उंगलियों को, आस पास की तर्जनी उंगली और मध्यमा को इस प्रकार बनाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र किधर करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, ये तर्जनी उंगली जो है वो अंदर की तरफ कर लेंगे हम। और धारा की दिशा क्या है, धारा चूंकि इलेक्ट्रॉन अगर माना आपने है, देखिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन मानेंगे आप तो धारा हो जाएगी इधर की तरफ, देख रहे हैं इस तरह से, ऐसे इस तरह समझिए, ये हो जाएगी तर्जनी उंगली आपकी अंदर की तरफ, धारा उधर की तरफ हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन है अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, बल जो है नीचे काम करेगा, गतिपथ वैसा ही बनेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो भी गतिपथ वैसा बनेगा, प्रोटॉन रहेगा तो भी गतिपथ वैसा बनेगा, समझ रहे बात। अगर ये प्रोटॉन हमारा है, ये धन आवेश कण है, तो क्या होगा, तो धारा हम इसी दिशा में लेंगे जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ हो जाएगा, अंगूठा आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो एक बल कार्य करेगा कहां, ऊपर की तरफ कार्य करेगा, धन आवेश रहेगा तो ऋण आवेश रहेगा नीचे रहेगा, ये ऊपर काम करेगा बल। और इसका जो जड़त्व का नियम है कि ये अंदर अगर जा रहा है तो अंदर जाना चाहेगा, मतलब आगे निकलना चाहेगा, जैसे आप किसी प्रक्षेप को फेंकते हैं ऐसे, ठीक है, तो यद्यपि पृथ्वी खींचती है उसको अपनी तरफ, लेकिन आपने चूंकि वेग दिया हुआ है इसलिए वह न तो ऊपर जाता है न तो नीचे आता है, एक परवलयाकार मार्ग बना करके कुछ दूर जाकर गिर जाता है। तो वैसे ही इस पर एक बल इधर काम कर रहा है, दैट इज क्यू वी बी, और इसका जो आपने बल लगाया है तभी अंदर गया हुआ है, यह आगे की तरफ बढ़ना चाहेगा, परिणाम स्वरूप जो है ये न आगे बढ़ेगा न ऊपर जाएगा, ऐसे ही वक्राकार मार्ग बना लेगा, समझ रहे बात को, वक्राकार मार्ग बनाएगा। और जब यहां पहुंच जाएगा ये, फिर दिशा क्या इसकी हो जाएगी, फिर देखिए धन आवेश लिया आपने, धारा दिशा हो जाएगी ऊपर की तरफ, जिधर आवेश गतिमान होगा वही धारा दिशा हो जाएगी, ध्यान दीजिए घर से, धारा ऊपर तरफ हो जाएगी, और ये अंगुलियां आप अंदर तरफ करेंगे तो कहां काम करेगा बल, भीतर तरफ काम करेगा, बल इधर काम करेगा अंदर की तरफ, तो ना तो ये सीधे जाएगा ना तो अंदर आएगा, फिर ये वक्राकार बना लेगा ऐसे, जब यहां पहुंचेगा ऐसे होते होते आकर के यहां मिल जाएगा, तो कैसा पथ बना लेगा, ये एक वृत्ताकार पथ बना लेगा। हर जगह आप जाएंगे यहां पर कहीं भी देखेंगे तो जो क्यू वी बी बल हमारा काम कर रहा है, जिसको आप लॉरेंट्ज़ बल कहते हैं, वो हमेशा भीतर की ओर काम करेगा, और जड़त्व वाला जो बल है वो स्पर्शरेखी काम करेगा, तो ना तो ये त्रिज्या के अनुदिश जाएगा ना स्पर्शरेखा में जाएगा, वक्राकार मार्ग बनाएगा, और वक्राकार मार्ग बनाते बनाते एक इसका वृत्तीय पथ डिसाइड हो जाएगा। अगर ये ऋण आवेश होता तब भी इसका पथ यही बनता वृत्ताकार, अंतर होता कि नीचे से आकर वृत्ताकार पथ बनता, बस इतना अंतर खाली होता, बस धन आवेश रहेगा या ऋण आवेश रहेगा उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। अब आपको एक बहुविकल्पी में क्वेश्चन मिलता है, अक्सर बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ होता है वृत्ताकार, परवलयाकार और बाकी सब दिया रहे, त्रिभुजाकार, अति परवलयाकार दिया रहे, ठीक है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होता है, और अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र है तब उसका पथ परवलयाकार होगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र है तब उसका पथ वृत्ताकार होगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप एक चीज समझ गए यहां पे कि अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश कर रहा है कोई गतिमान आवेशित कण, तो उसका पथ कैसा बनेगा, वृत्ताकार बनेगा।
यह एक वृत्ताकार पथ बनेगा, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अगर स्मॉल आर है भाई, वृत्ताकार पथ बनेगा अगर तो उसकी कुछ त्रिज्या भी तो होगी स्मॉल आर, उसकी त्रिज्या होगी। तो वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए अगर वृत्ताकार पथ एक बार राउंड लगाएगा वृत्ताकार पथ में तो ऐसे लगातार रहेगा ये। वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए उसको अभिकेंद्र बल चाहिए। आपको पता है कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रही है तो उस वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए उसको एक आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए, और उस अभिकेंद्र बल का मान होता है एम वी स्क्वायर बटे आर। आपको याद आ रहा होगा ये आपने 11th पढ़ा होगा। तो यहां पर अगर ये वृत्ताकार पथ का अनुसरण कर रहा है तो वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए यह अभिकेंद्र बल चाहिए, बिना इस अभिकेंद्र बल के वो नहीं घूम सकता। और ये अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा, इसी लॉरेंत्ज़ बल से प्राप्त होगा। जो ये लॉरेंत्ज़ बल है गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला, यही वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रोवाइड कराएगा, उपलब्ध कराएगा। दोनों को सिर्फ इक्वल कर दीजिए आप तो QVB इक्वल टू MV स्क्वायर डिवाइड बाई R हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक V से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक V यहां बचेगा तो M इंटू V यहां बचेगा, यहां पूरा करेंगे तो हो जाएगा Q R B, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर त्रिज्या पूछी जाए आपसे किस त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है तो R इक्वल टू हो जाएगा एम वी अपान क्यू वी। ठीक है, इस त्रिज्या को आप याद रखिएगा, त्रिज्या जो है इसकी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कोई गतिमान आवेश कण है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको दी रहेगी तो किस त्रिज्या के वृत्त में वो घूमेगा तो R इक्वल टू एम वी अपान क्यू वी, इस त्रिज्या के वृत्त में घूमेगा। ठीक है, एक तो ये फार्मूला हो गया आपका आर इक्वल टू एम वी अपान क्यू वी, सीधे आप याद रखिए इसको। दूसरा, अगर ऊर्जा के रूप में पूछा जाए, ऊर्जा के रूप में तो आप जानते हैं कि अगर एम द्रव्यमान का आवेशित कण है, जो कण गतिमान इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो गतिमान आवेशित कण है यम, अगर वो वी वेग से गतिमान है, वी वेग से गतिमान है तो उसके पास कितनी ऊर्जा होती है, के इक्वल टू हाफ यम वी स्क्वायर, इतनी ऊर्जा होती है इसके पास। तो यहां से अगर यम वी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2k हो जाएगा, या वी स्क्वायर का मान हो जाएगा 2k डिवाइड बाई यम, या वी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2k डिवाइड बाई यह v की वैल्यू हो जाएगी। अगर v की वैल्यू यहां पर रख दी जाए तो r इक्वल टू हो जाएगा m इंटू अंडर रूट 2k डिवाइड बाई m अपान क्यू वी, यहां पे नहीं है आप देख ही रहे हैं इसको। ठीक है, आप इसको देख ही रहे हैं, v की वैल्यू आपने यहां पर रख दिया इसको तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, आएगा ये 1 अपान क्यू बी, इसको हमने बाहर ले लिया, ये m जो है इसको हम कैडी में m का स्क्वायर मान सकते हैं, तो कैडी में m और कैडी में कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2mk बचेगा, रूट में बचेगा, ऐसे आप कर सकते हैं अंडर रूट 2mk। यह भी उसी का फार्मूला है, त्रिज्या का ही फार्मूला है, आप इस रूप में इसको आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो R इक्वल टू अंडर रूट 2mk अपान क्यू बी, ये फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं, मूल फार्मूला याद किया रहेगा, मूल फार्मूला हमारा यही है R इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी, ये मूल फार्मूला है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा गतिमान आवेशित कण है वह एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है। त्रिज्या तो आपको पता हो गई किस त्रिज्या के वृत्त में घूमेगा, लेकिन कितना जो है वो चक्कर लगाएगा, ये एक सेकंड में, ये आपको देखना है फ्रीक्वेंसी आपका, और एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेगा इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इस गतिमान आवेशित कण का आवर्तकाल निकालना है
मतलब होता है कि एक सेकंड एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय। तो एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी हो जाएगी 2πr। इस 2πr क्या है, डिस्टेंस है एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी बटे क्या हो जाएगा इसकी चाल भी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप। t इक्वल टू 2πr/v अर्थात एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी बटे उसकी चाल। तो t इक्वल टू हो जाएगा 2πr इंटू स्मॉल r की वैल्यू यहां पे निकली हुई थी भी mv अपान qb, वहां पर हम रख देंगे mv अपान qb, नीचे आपका v है ही तो v से v कट जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2πm अपान qb। ये आवर्त काल का फार्मूला है, किसके आवर्त काल का, इसी आवेशित कण के आवर्त काल का, अर्थात आवेशित कण कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेगा वो समय है ये। आवेशित कण कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेगा ये वही समय है t इक्वल टू 2πm अपान qb। अब अगर यहां से आपसे आवृत्ति पूछी जाए कि उसकी आवृत्ति क्या होगी, तो अगर आवृत्ति पूछी जाए आपसे n, तो n इक्वल टू 1/T होता है, इसी का उल्टा कर देंगे तो आवृत्ति मिल जाएगी अर्थात qb अपॉन 2πm, यही आवृत्ति का फॉर्मूला है। अर्थात एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति निकालना है n इक्वल टू 1/T और 1/T की जगह पे आप qb अपॉन 2πm कर देंगे तो यहां से आवृत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो समझ गए होंगे आप कि जब कोई आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, उसका गतिपथ कैसा बनता है, उसका आवर्त काल क्या होता है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, ये आप समझ गए होंगे। अगर कोई गतिमान आवेश कण इसमें मतलब चुंबकीय क्षेत्र में ठीक है सीधा ना प्रवेश करके तिरछा प्रवेश करता है, अगर तिरछा प्रवेश करेगा ये ध्यान दीजिएगा, तिरछा का मतलब कैसे हुआ, ऐसे प्रवेश करता है तिरछा, अगर वो तिरछा प्रवेश करता है तब इसके वेग के दो घटक हो जाएंगे, इसका जो वेग है उसके दो घटक हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएगा v cos थीटा, माफ कीजिएगा इधर हो जाएगा v cos थीटा, इधर हो जाएगा v sin थीटा, v cos थीटा v sin थीटा। अगर लगभग अगर ये चुंबकीय क्षेत्र आपका हो गया ऊपर से नीचे और सीधे प्रवेश करता है तो गतिपथ आपको बता दिया हमने कि ये वृत्ताकार बनेगा, लेकिन अगर एक तिरछा प्रवेश करता है तो इसके दो घटक हो जाएंगे एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, तो जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है अर्थात v sin थीटा ये परपेंडिकुलर घटक हमारा है ठीक है, और जो v cos थीटा है ये हमारा वर्टिकल पैरेलल घटक है, समांतर घटक इसका है। तो इसमें जो आपका जो लंबवत घटक आपका है यह क्या काम करेगा, यह इसके पथ को वृत्ताकार बनाने का प्रयास करेगा, जो वी साइन थीटा है वह इसके पथ को वृत्ताकार बनाने का प्रयास करेगा ठीक है, और जो हमारा समांतर घटक है ना वो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, जो क्षैतिज घटक है वो आवेशित कण को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, जो क्षैतिज घटक है वो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, और जो लंबवत घटक है वो इसको ऊर्ध्वाधर घुमाने का प्रयास करेगा। तो ये आवेशित कण जो है वृत्ताकार पथ पर घूमता भी रहेगा और साथ साथ ये आगे भी बढ़ता रहेगा, दोनों काम करता रहेगा। आवेशित कण जो हमारा है ये क्या काम करेगा, वृत्ताकार पथ पर ऐसे घूमता भी रहेगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा, तो इसका गतिपथ कैसा होगा, इसका गतिपथ एक कुंडलिनी होगी, कुंडलिनी जिसको हेलिक्स बोलते हैं ठीक है, कुंडलिनी जिसको आप हेलिक्स बोलते हैं,
तो इसका गतिपथ कैसा होगा, एक हेलिक्स की तरह से होगा, अर्थात कुंडलनी की तरह से ये घूमता भी जाएगा और आगे भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक इसको वृत्ताकार पथ प्रोवाइड कराएगा और जो क्षैतिज घटक है वो आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। उस अवस्था में पूछा जाए कि जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है वो कितनी होगी, तो R इक्वल टू जो आपका एम वी अपान क्यू वी है, उस एम वी की जगह पे एम वी लंबवत हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे R इक्वल टू एम वी साइन थीटा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक हमारा एम वी साइन थीटा है, तो R इक्वल टू हो जाएगा एम वी साइन थीटा अपान क्यू वी। उस अवस्था में जब ये तिरछा प्रवेश करता है तब इसके वेग का घटक निकालने के v sin थीटा किस कोण से प्रवेश करता है, तो v sin थीटा निकालने के बाद उस सूत्र में रख देंगे तो उसका जो गतिपथ है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और आवर्त काल पूछा जाए, आवर्त काल जो निकला हुआ था 2πm/qv, तो आवर्त काल तो वही रहेगा इसमें, क्योंकि वेग का कोई टर्म नहीं है, जहां पर वेग का टर्म रहेगा वही v cos थीटा में और v sin थीटा में डिवाइड होगा, जहां वेग का टर्म नहीं रहेगा तो यहां तो सब परिवर्तनशील है, आवेश का मान परिवर्तनशील है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तनशील है, यम परिवर्तनशील, सब परिवर्तनशील है, तो इस आवर्त काल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर होगी बात आपको, ये त्रिज्या हो गई हेलिक्स की, त्रिज्या हो गई कुंडलनी की, त्रिज्या हो गई, और ये जो है आवर्त काल वही रहेगा। अब देखिए जब वो घूमेगा तो वह आगे भी बढ़ेगा, ठीक है, जब एक चक्कर लगाएगा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, दो चक्कर लगाएगा थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, दस चक्कर लगाएगा तो घूमते घूमते थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। वो हर चक्कर में जैसे आप चूड़ी कसते हैं किसी पेज की, तो क्या होता है घूमता भी जाता है कसता भी जाता है अंदर की तरफ, ठीक है, तो वह कुंडलनी जैसा आकृति उसकी बनती है, तो एक चक्कर पूरा करने में आवेशित कण जो है एक चक्कर पूरा करने में जितना दूर आगे बढ़ लेता है उस क्षैतिज दूरी को ही हम कहते हैं पिच, पिच PITCH, पिच, पिच का मतलब होता है कि एक चक्कर जब वो राउंड लगा लेगा जितना दूर क्षैतिज बढ़ लेगा उस क्षैतिज दूरी को हम कहते हैं पिच। देखिए जो चूड़ियों के बीच जब पेच कसते आप हैं तो चूड़ियों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम पिच बोलते हैं। एक चक्कर राउंड जब वो लगा लेगा कुछ दूर आगे बढ़ जाएगा, फिर दो राउंड लगाएगा फिर कुछ दूर आगे बढ़ जाएगा, तो जो जो राउंड लगाता जाएगा वैसे वैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, तो एक चक्कर पूरा करने में जो क्षैतिज दूरी तय की जाती है आवेशित कण के द्वारा उस दूरी को ही हम कहते हैं पिच, PITCH। और ये दूरी कैसे निकलेगी, ये क्षैतिज दूरी है, क्षैतिज दूरी का मतलब हो गया क्षैतिज वेग, जो आवेशित कण का क्षैतिज वेग होगा, क्योंकि क्षैतिज दूरियां क्षैतिज वेग तय की जाएगी, ऊर्ध्वाधर दूरी ऊर्ध्वाधर वेग तय की जाएगी, तो क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय, समय कौन सा, एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय, एक चक्कर पूरा करने में चलिए जो दूरी है वही तो पीछे है, तो क्षैतिज दूरी निकालनी है, तो जो क्षैतिज वेग उसका वह वेग हो जाएगा, और जो उसकी दूरी है जगह जो उसका समय है एक चक्कर पूरा करने का अर्थात आवर्त काल t अर्थात v पैरेलल, जो क्षैतिज वेग है v पैरेलल उसी में अगर हम आवर्त काल t से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पिच की वैल्यू निकल जाएगी अर्थात क्षैतिज दूरी निकल जाएगी, और v पैरेलल का मान होगा v cos थीटा और इनटू जो आवर्त काल हमारा है ऊपर से लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं 2πm/qv, ऐसे निकल दिया तो यह जो आपका निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा पिच, या इसको स्मॉल पी से भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब किसी गतिमान आवेशित कण पर क्या क्या प्रभाव होता है, वैद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है आप जानते हैं, उस पर काम करता है वैद्युत बल, चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है उसको भी जानते हैं, उस पर काम करता है चुंबकीय बल, वैद्युत बल का मान कितना होता है वो भी आप जानते हैं, क्यूई, अगर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
अगर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो उस पर बल काम करता है क्यू ई, ठीक है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है तो उस पर बल काम करता है क्यू वी बी, ठीक है, साइन थीटा भी साथ में लीजिए, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर कोई, अब अगले टॉपिक को थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कल बताएंगे आपको कि कोई गतिमान आवेशित कण जो है अगर गति कर रहा है और उस पर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ आरोपित हो रहे हैं, कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक साथ आरोपित हो और वह बिना प्रभावित हुए गतिमान हो तो क्या कंडीशन होगी, ये आपको कल बताएंगे।